गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ईवीएस क्लास चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस. सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशन विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल. संजना और सलमा दोनों साथ में स्कूल में पढ़ती है. वन डे संजना वॉज वेरी सैड. सलमा आस्क हर वाई आर यू सो सैड टूडे. वन डे दैट मीन्स संजना एक दिन सैड, बहुत सैड थी. तो सलमा ने उससे पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो आज. देन संजना सैड माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल. मेरी मदर, जो मेरी मम्मा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. सलमा सैड डोंट वरी, इन द इंटरवेल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर. सलमा ने उसको बोला कि तुम वरी मत हो, तुम कोई चिंता मत करो, हम इंटरवेल में इसके बारे में बात करेंगे. योर मदर विल गेट वेल सून. आपकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. ठीक है. फिर इन द इंटरवेल, फिर जब स्कूल का इंटरवेल हो जाता है तब वो दोनों वापस मिलते हैं. सलमा बोलती है, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपन्ड टू योर मदर. फिर वो पूछती है कि संजना, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी को हुआ क्या है. संजना बोलती है, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. मेरी मम्मी को कल से ही बुखार है. सलमा तब बोलती हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर. क्या तुम उनको डॉक्टर के पास लेके गए. संजना बोलती है, यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिंस. माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर. डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी है और मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है और मेरी आंटी है, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं. सलमा बोलती है, देन वाई आर यू वरीड. तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो. एवरी वन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर. तुम्हारे घर में तो सब जने हैं उनकी देखभाल करने के लिए. फिर संजना बोलती है, यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टूगेदर. वो बोलती है, हाँ मेरे परिवार में सारे जो जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ रहते हैं. माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टूगेदर. मेरी फैमिली में हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे अंकल, आंटी और उनके जो भी बच्चे हैं, हम सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं. फिर सलमा बोलती है, यू डोंट वरी एट ऑल, एवरी वन इज़ योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. तो फिर तुम परेशान मत हो, तुम्हारी फैमिली के सारे लोग हैं जो उनकी देखभाल करेंगे. विद इन 2-3 days She will get absolutely well. 2-3 days में उनका बुखार ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे. In my family, I have my mother, father and younger sister only. फिर सलमा उसको बोलती है कि तुम्हारी फैमिली में तो इतने सारे लोग हैं, मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरी मम्मी है, पापा है और मेरी छोटी सिस्टर है. ये देखो, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं. मोस्ट ऑफ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है अभी के टाइम में. और जॉइंट फैमिली जिसमें देखो दादा दादी, अंकल आंटी, पापा मम्मी और बच्चे सब साथ में रहते हैं. तो ये 2 types ऑफ फैमिलीज हो गया, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक. ये आपको टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है और इस तरीके से ये बना के फिर इनमें लिखना है, दे लिव विथ यू और समवेयर एल्स. राइट द नेम ऑफ द प्लेस. अगर इनमें से जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए लिखना है दे लिव विथ अस, एंड नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम लिखना है. जैसे आपके ग्रैंड फादर, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड फादर आपके साथ रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दे लिव. ग्रैंड फादर सिंगल है, अपन को एक एक जने के लिए बताना है, तो ही लिव विद अस. ठीक है, ये हमारे साथ रहते हैं, लिव्स. ओके, हमेशा
सिंगुलर पर्सन के साथ में एस या ई एस लगता है जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ग्रैंड मदर भी सिंगल है, वो आपके साथ रहती है। अगर ग्रैंड फादर रहते हैं तो ग्रैंड मदर भी रहती होगी। ऐसा भी होता है कि नहीं रहती हो तो आपको सबको अपनी अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। अगर नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम लिख देना है। आपके अंकल जिनको हिंदी में ताऊजी बोलते हैं, यानी कि बड़े पापा, एल्डर आंट ताई जी, फादर मदर, यंगर अंकल, छोटे अंकल जो होंगे वो चाचा जी और चाची। तो जो आपको ये अपनी नोटबुक में फिल करना है, पूरा ऐसे बनाना है। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपने पूरी अच्छे से पढ़ लिया है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली मदर एंड फादर, बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ ध्यान रखने के लिए बच्चों का सिर्फ मम्मी पापा ही होते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में सारे घर के मेंबर बच्चों पर ध्यान देते हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है, एक तो बच्चे सबके साथ बड़े होते हैं और एक बच्चे सिर्फ मम्मी पापा ही उनका ध्यान रखते हैं, उन्हीं के साथ वो बड़े होते हैं। हु लिव्स इन योर नेबरहुड, अभी एक क्वेश्चन है, इनमें भी अब सबको आप पास अलग अलग होंगे। आपके जो नेबरहुड हैं वो कौन है, हु आपके पास में जो रहते हैं उनके लिए बारे में लिखना है। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, आपके जो नेबर में जो घर बने हुए हैं आपके आसपास उनमें किस किस की फैमिली न्यूक्लियर है, जॉइंट है, तो आपको बतानी है कि उनमें से न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी है। अगर थ्री फैमिलीज न्यूक्लियर है तो थ्री, फोर है तो कितने जने न्यूक्लियर रहते हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज, हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमंग देम। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली है तो उनका सारा काम फादर और मदर को ही करना है, लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में जॉइंट फैमिली होगी तो उनका जो वर्क डिवाइडेशन है वो किस तरीके से होगा वो आपको पता करना है। हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, अब आपको एक तो ये बताना है न्यूक्लियर फैमिली कितनी है, फिर ये बताना है कि जॉइंट फैमिली कितनी है, उनकी जो जितने भी उनके नंबर है वो यहाँ लिखना है। इफ़ संजनाज फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, जैसे संजना ने बताया कि उसकी तो जॉइंट फैमिली है तभी उसकी मम्मी बीमार है तो उसके टेक केयर कौन कर रहा है, उसकी जो दादी है और उसकी आंटी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तो फिर उसकी मम्मी की केयर, तो अगर न्यूक्लियर फैमिली होती तो कौन उसकी देखभाल करता, तो फिर तो देखभाल करने के लिए बच्चे कौन, मम्मी अगर बीमार है तो पापा ही करेंगे, तो संजना के जो फादर हैं वो ही उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब द फैमिली ट्री, आप भी बना सकते हैं फैमिली ट्री जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। संजना प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री उसने बनाया। सबसे पहले कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं। तो आपको भी ऐसे ग्रैंडफादर बना के कोष्टक में, और अपने ग्रैंडफादर का नाम इधर, ग्रैंड मदर का नाम, फिर इधर ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडफादर है ये, फिर उसके बाद उनके ग्रैंडफादर, फिर फादर, और फिर सेल्फ, मतलब सेल्फ आप खुद हो। आपको अपने ऊपर इस तरीके से एरो बना के अपने फादर का नाम लिखना है, फिर ऊपर एरो बना के फादर के फादर जो ग्रैंडफादर होंगे उनका नाम लिखना है, फिर ग्रैंडफादर के फादर ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे उनका नाम लिखना है। इसी तरीके से आपको इसमें भी ऐसे ही करना, सेल्फ आप खुद हो, आपकी मदर, मदर का नाम, मदर की जो ग्रैंड मदर, और फिर ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है ना। ये तो हो गया अपने गांव में जो दादा दादी होते हैं उनका। इसी तरीके से आप अपने मटर्नल और पैटर्नल दोनों तरीके से लिख सकते हो, अपने नानी नाना का नाम, मामा का नाम, मौसी का नाम, इसी तरीके से भी आप एक फैमिली ट्री बना सकते हो। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर यू ऑल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री और फॉर बोथ मटर्नल एंड पैटर्नल साइड्स, ठीक है ना। तो आप दोनों साइड से इस तरीके से ट्री बना सकते हो अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प लेके, कि हमारे ग्रैंड फादर तक तो अपने को पता होता है, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है, ग्रेट ग्रैंडमदर कौन है, इस तरीके से भी, ठीक है।
सलमा रिटर्न होम। फिर जब सलमा और संजना के स्कूल में इसी तरीके से बात हुई, संजना ने अपनी बात बताई, तो फिर सलमा जब घर आई एंड शी आस्क्ड हर फादर, और उसने घर आते ही अपने पिताजी से क्या पूछा, वाई डोंट अवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल आंट लिव विद अस। अपने साथ तो अपने दादा भी नहीं रहते हैं, दादी अंकल आंटी कोई भी साथ में नहीं रहता है, मतलब सलमा की फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, वो ये पूछती है कि हम यहाँ सिटी में क्या लेने आए हैं जब हमारे घर वाले तो सभी गांव में रहते हैं। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, अपने गांव से हम बहुत दूर यहाँ सिटी में अकेले क्यों रहते हैं। कांट वी स्टे, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। एंड वर्क टूगेदर विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज, क्या हम अपने गाँव में रुकते और गाँव में ही कोई काम नहीं कर सकते थे क्या। तो ये सब सारी चीज़ें वो अपने फादर से पूछती है। वॉट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, आपको क्या लगता है सलमा के फादर ने उसको क्या रिप्लाई किया होगा उसके प्रश्नों का। तो उन्होंने जो रिप्लाई किया होगा वही इसी पैराग्राफ में है। नाउ ए डेज, मतलब अभी के दिनों में, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, काम की तलाश में और पढ़ाई करने के लिए फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। फैमिली क्या होती है, गांव से शहर की तरफ माइग्रेंट हो जाती है, किसके लिए, ऑक्यूपेशन, या तो उनको गांव में कोई काम नहीं मिल रहा होगा इस वजह से, या फिर उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में इतनी पढ़ाई का सोर्स होता नहीं है। इन सिटीज देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेस इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टूगेदर, और सिटी में क्या इतने मकान छोटे छोटे बने हुए थे, इतना कंजेस्टेड एरिया होता है कि उस मकान में सिर्फ कुछ लोग ही आराम से रह सकते हैं। देयरफॉर द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, और इसी वजह से क्या होता है, जो जॉइंट फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाती है, क्योंकि सब जने गाँव से एक साथ सिटी में आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह और इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सम अदर रीजन्स, कुछ और भी कारण होते हैं, आर ऑल्सो देयर फॉर द डिविजन ऑफ जॉइंट फैमिली लाइक, मतलब इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, मतलब इतने जने लोगों जब जॉइंट फैमिली में तरह मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो उन सबका बिहेवियर अलग होता है, उनकी हैबिट्स अलग होता है, तो वो एक दूसरे के साथ में सेट नहीं हो पाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं होती है तो लोग सोचते हैं कि वार मैं कमाऊंगा वो मेरी फैमिली को दूंगा, पूरे परिवार को मैं क्यों चलाऊं। तो इस तरीके की वजह से भी जॉइंट फैमिली क्या हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही है। कैपेसिटी टू स्पेंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, और इन सब की वजह से हमारे जो त्यौहार मनाने का, जो हमारा पहले जो त्यौहार मनाते थे और अभी जो त्यौहार मनाते हैं उनमें भी बहुत सारे डिफरेंस आ गए हैं। क्यों, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली में त्यौहार मनाते थे, लोग बुआ आती थी, चाचा जाते थे, चाची आती थी, जो भी है सब मिलते थे सब, अब कोई कहीं जाता ही नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, तो त्यौहार मनाने का जो तरीका है वो भी बदल चुका है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये सी क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या रीज़न है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन एंड हायर एजुकेशन फैमिली आर माइग्रेंट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, एक तो ये कारण हो गया, फर्स्ट का आंसर एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी टू स्पेंड कंटिन्यूस चेंज इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। तो ये सभी जो रीज़न है ये अगर लोगों में इस तरह का रहेगा तो वो फिर जॉइंट फैमिली से क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगे, भाई पढ़ाई करने बाहर चले गए, या फिर हम तो किसी काम की तलाश में सिटी में आ गए तो फिर तो परिवार टूटेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में। तो ये तो अब आपको पता ही है कि न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है, जॉइंट फैमिली होती क्या है, लेकिन आपको अगर रिटर्न में लिखना है तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आप, इसको पॉज करके। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली, तो ये दो डिफरेंस मेन है।
In a nuclear family, there is only father and mother and their children, but in a joint family, all the members, grandma, grandpa, uncle, auntie, all along with father, mother, live with their children. ठीक है, ये तो मैं. इसके अलावा, in nuclear family, there are only mother and father, but in a joint family, all the members contribute toward the upbringing of their children. मतलब न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा ही ख्याल रखते हैं बच्चों का, लेकिन जॉइंट फैमिली में सब जने बच्चों का ख्याल रखते हैं. फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल. मतलब क्या कारण है कि समय के साथ हम फेस्टिवल मनाने का भी सब कुछ तरीका बदल गया है. तो थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, अर्लियर पहले क्या होता था, अर्लियर क्या होता था, इन जॉइंट फैमिलीज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स वर हायर एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टूगेदर. सब जने मिलके त्यौहार मनाते थे, बट नाउ ए डेज लिमिटेड मेम्बर्स इन द न्यूक्लियर फैमिली ओनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल. अब न्यूक्लियर फैमिली में लिमिटेड लोग हैं, तीन चार जने जो भी हैं वही त्यौहार मनाते हैं. रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलरली विजिट अदर फैमिली मेम्बर्स. पुराने टाइम में क्या, रिलेटिव बहुत सारे आ जाते थे, बुआ आ गई और मौसी आ गई, फूफा आ गए, सब आ गए. लेकिन अभी क्या होता है, रिलेटिव भी कहीं कोई नहीं जाता, सब अपने अपने हाल में मस्त होते हैं. तो इस वजह से त्यौहार जो मनाने का तरीका है वो भी चेंज हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम. एग्जाम्पल, इफ देयर इज समवन नेसेसरी वर्क ऑन ए फेस्टिवल और नेवर एक्सेट्रा. ठीक है, नान ये आपको इंडेक्स बनानी है अपनी नोटबुक में. रिलेटिव्स, डू यू लिव विद देम, व्हेन डू यू विजिट देयर होम. अगर आप इनके साथ रहते हैं तो साथ रहते हैं, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो आप इनसे मिलने कब जाते हैं. ठीक है, नाना जी, नानी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं, नो, तो नो लिखना है. और अगर आप रहते हैं तो यस लिखना है. फिर आप अगर नाना नानी के साथ नहीं रहते हो तो कब जाते हो, तो समर वेकेशन में जाते हैं. और भी आप जाते होंगे तो वो वाला टाइम लिखना है, जब आप अपने नाना नानी से मिलने जाते हो. दादाजी, दादी जी, अगर आपकी फैमिली जॉइंट है तो आप साथ रहते हो, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली है, आप सिटी में हो, दादा दादी गांव में हैं, तो आप क्या लिखोगे, नो, दादा दादी के साथ भी नहीं रहते हैं. और मिलने कब जाते हो, तो जब आप कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो जब जाते हो तो वो वाला यहाँ लिखना है. चाचा जी, चाची जी, साथ रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो. और कब मिलने जाते हो वो भी लिखना है. फूफा जी, बुआ जी, ये भी सेम वही, मौसा जी, मौसी जी. ठीक है, इसको आपको फिल करना है. नेक्स्ट है अडॉप्शन. वंस इन रेनी सीजन, बारिश के टाइम में सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन. सलमा और संजना जो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ जाती है पिकनिक के लिए, गार्डन में, फार फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से थोड़ा दूर. दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स. वो उस पिकनिक को एंजॉय करती है, खेलती है, नाचती है, खाती है अपने फ्रेंड्स के साथ. व्हाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी, हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक. तो जब वो खाना खा रहे होते हैं तो एक क्लासमेट उनका होता है मोहन, जो पूछता है योगी से कि हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक, तुम्हारे साथ पिकनिक पे कौन आया है. तो योगी बोलता है, शी इज माई यंग सिस्टर, ये मेरी छोटी सिस्टर. मोहन बोलता, आई हैव नेवर सीन हर विथ यू बिफोर, लेकिन मैंने तो तुमको इसके साथ पहले कभी नहीं देखा. फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ ए सडन, तो फिर ये अचानक कैसे आ गई तुम्हारी छोटी बहन. फिर योगी बोलता है, सी इज ए न्यू मेंबर इन अवर फैमिली, वो तो हमारी फैमिली की नई मेंबर है. माय फादर एंड मदर अडॉप्टेड हर, मेरे मम्मी और पापा ने उसको अडॉप्ट किया है. मतलब उसको अडॉप्शन जो होता है कि जैसे सिस्टर नहीं है तो जो अनाथ बच्चे हैं उनको पालते हैं लोग. एज आई एम माई पेरेंट्स सन, जैसे मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, शी इज़ ऑल्सो दियर डॉटर, वैसे ही ये अब उनकी बेटी है. तो ये अब मेरी क्या हुई, छोटी सिस्टर हुई. इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर नाउ, और अब ये मेरी बहन है. आई लाइक हर वेरी मच, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है.
शी मूव्स अराउंड विथ मी एंड ऑलवेज इमिटेट मी, ये मेरे साथ ही घूमती रहती है और मुझे फॉलो करती रहती है. When legal protection is given to any relative's child or any other child, it called adoption. जब कोई legal process के साथ में हम किसी बच्चे को adopt करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं adoption. ऐसे ही किसी बच्चे को उठा के रख रहे हैं तो वो adoption नहीं होगा, हमें उसकी सारी legal process पूरी करनी होती है तभी वो adoption होता है. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज आउट ऑफ द स्टेशन फॉर 2-3 days, देन हाउ डू यू फील. न्यूक्लियर फैमिली है अगर आपके, और अगर आपकी मम्मी 2-3 दिन के लिए कहीं चली जाए तो आपको घर में कैसा लगेगा. अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो फील ही नहीं होगा, क्योंकि दादा दादी है, अंकल आंटी है, उनके बच्चे हैं. लेकिन अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो मम्मी चली गई तो फिर कैसे रहेंगे, पापा ऑफिस चले जाएंगे, तो आई फील वेरी लोनली, क्योंकि विदाउट मदर तो हम रह ही नहीं सकते. फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, उन बच्चों की जो देखभाल करते हैं जिनके, जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं. द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्टल्स, हैव ए डिस्कशन विथ योर टीचर अबाउट द सेम. मतलब जो तो गवर्नमेंट उनके उन ऐसे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोलती है, हॉस्टल खोलती है, स्कूल खोलती है, तो ये क्यों खोलते हैं, ताकि उन बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिल सके, क्योंकि अगर उनके मम्मी पापा नहीं है तो उनकी देखभाल का कौन करेगा. तो गवर्नमेंट उनके लिए ऐसी सुविधाएं देती है जिससे कि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे से रह सके, उनको खाने के रहने की जगह मिल सके, तो उस वजह से ये बनाए जाते हैं. हु रिसेम्बल्स विथ हुम, संजनाज एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर. संजना और उसकी बहन कौन है, पिंकी कहाँ जाते हैं, उसके अंकल की मैरिज में जाते हैं उसकी मम्मी के साथ. देयर शी मेट हर आंट ऑल्सो, और वहाँ वो अपनी आंट से भी मिलते हैं. हर आंट वॉज केयरिंग हर लिटल डॉटर इन हर लैब, और उसकी आंट क्या कर रही होती है, छोटी सी उसके पास बेटी होती है, उसकी बेटी जिसको वो गोदी में सुलाए हुए रखती है, ये रही उसकी आंट, और ये कौन है, संजना है. पिंकी सेड मॉम लुक शी इज सो ब्यूटीफुल, तो पिंकी बोलती है कि मम्मा देखो ये कितनी प्यारी है, और लुक हर नोज रिसेम्बल्स द ग्रैंडमास नोज, और वो क्या बोलती है कि इसकी जो नोज है, इस बेबी की जो नाक है, वो तो अपनी दादी से मिलती जुलती है. हर आईज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और उसकी जो आईज है इस बेबी की, वो किससे मिलती जुलती है, उसके अंकल से मिलती जुलती है. हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क. तो उसका क्या कॉम्प्लेक्शन दादाजी और भाई से बहुत सिमिलर है, थोड़ा स्लाइटली डार्क है और ब्राउन है. तो इस तरीके से वो बताती है अपने को भी, अपन घर पे होते तो बोलते हैं ना, ये बच्चा तो अपने दादा पर गया है, ये तो अपनी नानी पर गई है, इस तरीके से. तो ये क्या होता है, रिसेम्बल्स होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं कि हाँ हम इन्हीं के हैं, मतलब हमारे जो जीन्स होते हैं वो मैच करते हैं अपने पूर्वजों से. तो ये पिंकी है, ये उसकी मदर है, और ये उसकी आंट है, और आंट के पास में छोटी बेबी है. योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेम्बल्स विथ विच मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, राइट डाउन. ये इंडेक्स आपको बनानी है, आपके जो खुद के फिजिकल कैरेक्टर हैं वो किससे मैच करते हैं आपके फैमिली में, उनको लिखना है. फेस किससे मैच करता है, अगर फादर से करता है तो फादर, मदर से करता है तो मदर, जिससे भी करता हो. आइज किसके साथ मैच करती है, नोज, हेयर, एयर, कॉम्प्लेक्शन, कुछ मिक्सअप किसका लगते हो आप, कैसे दिखते हो, तो वो सब इसमें फैमिली मेंबर का लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट. संजना आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मा से पूछती है, मॉम माय क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड. संजना क्या बोलती है मम्मा को कि मेरी जो क्लासमेट है अंजलि, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. She is also awarded for the same, और उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला है. I also left-handed.
आई आस्क हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड. मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो. वी ऑल राइट विथ अवर राइट हैंड. हम सब तो हमारे राइट हैंड से लिखते हैं, तुम लेफ्ट हैंड से कैसे लिखती हो, क्यों लिखती हो. देन शी रिप्लाइड, तब अंजलि बोलती है कि आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड. मैं तो मेरा जो भी काम है सारा काम मेरे लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ. आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड. मैंने अपने राइट हैंड से लिखने का ट्राई भी किया बट आई वॉज अनेबल टू डू इट. पर मैं लिख नहीं पाई, मैं कुछ भी राइट हैंड से इतना कर नहीं पाती हूँ काम. योर हैबिट रिसेंबल्स द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, राइट डाउन इन योर नोटबुक. तो ये देखिए, इसमें आपको हैबिट मैच करनी है कि कौन सी आपकी ऐसी हैबिट है जो आपके फैमिली मेंबर से मिलती है. कि आप कुछ खाना खाते टाइम कैसे खाते हो, ये तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे खाती है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे खाना खाती है. तो इस तरीके से अगर आपका जिससे भी मैच होता है, वे ऑफ टॉकिंग जो आप बोलते हो वो किससे आपके फैमिली में किसकी तरीके से मैच होता है, उनका ग्रैंडफादर से मैच होता है तो ग्रैंडफादर. वे ऑफ वॉकिंग, चलने का जो आपका अंदाज है वो किससे मैच करता है. मैनरिज्म, जो आप में मैनर है, जो आपका एटीट्यूड है वो किससे मैच करता है फैमिली में. ठीक है. द फिजिकल कैरेक्टरिस्ट आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जो भी उनका फिजिकल बॉडी होती है बच्चे की, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से उसको मिलती है. दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स. और जो अपने को जो बॉडी गेस्चर मिलता है, जो भी अपने को ऐसी चीज़ें अपनी फिजिकल जो चीज़ें मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, कि ये तो इसको अपने पूर्वजों से मिला है. एंड दिस फेनोमेनस कॉल्ड इनहेरिटेंस. ये जो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस. एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अपने जो जो भी अपना कैरेक्टर है, जो भी अपने अंदर बॉडी गेस्चर, जो भी अपनी कुछ ऐसी सिमिलरिटी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है. सम कैरेक्टरिस्ट आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड. और कुछ अपन चीज़ें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं, वो चीज़ अपनी हेरिडिटरी में नहीं आएगी. ठीक है. वी मस्ट नो ग्रेगर जॉन मेंडल हैज डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट. हमें ये जानना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. किस पर? मटर के प्लांट पर. एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. और फिर उसके बाद उन्होंने ये इनहेरिटेंस का लॉ बनाए हैं. फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. और ये इसी वजह से सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. ठीक है. ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना. डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्ट. हरगोविंद खुराना ने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं. किस पर? इनहेरिटेंस के, जो उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या सेम जाता है क्या नहीं जाता है, उस पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए. फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़. और उनका काम इतना एक्सीलेंट था कि उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था. After knowing all the above facts, Pinky understood that we will resemble our parents or other members of our family. तो जब पिंकी को ये सारी बातें पता चली उसकी मम्मी से, तो उसको पता चला कि हाँ, हम सब अपने परिवार से, अपने माता पिता और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स से, उन फैमिली मेम्बर से, उनसे किस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि हमारे में हेरिडेटरी जो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन मूव होती रहती है. बट शी also wanted to know whether the process of inheritance of characteristic exit in animals also. पर वो ये जानना चाहती थी कि क्या ये जो हमारे human being में जो होता है वो animals में भी होता है क्या ऐसा. तो of course animal में भी होता ही होगा. Points for discuss. How does a cow recognize its calf? जो cow का बच्चा होता है उसको वो कैसे याद कर रखती है cow? तो by seeing, smelling and लिकिंग इट. वो उसकी स्मेल से और उसको गाय को अपने बच्चे का पता चल ही जाता है कि वो उसको पहचान जाती है, क्योंकि वो उस जब छोटा होता है तब उसको पूरे को साफ करती रहती है अपनी जुबान से.
तो इस तरीके से उनकी जो कनेक्टिविटी होती है मदर और चिल्ड्रन की, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की होती है, वैसे ही होती है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड? अगर आप भीड़ में हो तो आपकी मम्मी आपको कैसे पहचानेगी? बाय सीइंग माय फिजिक्स, मेरी बॉडी गेस्चर को देख के मम्मी पहचान जाएगी। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टरिस्ट इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। जो भी हमारी बॉडी में जो भी अपने को हेरिडिटी से मिलता है अपने पेरेंट्स और अपने पूर्वजों से मिलता है, बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। कुछ में अपने को सिमिलरिटी मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। इवन इन द केस ऑफ ट्विंस, जबकि जुड़वा बच्चे भी होना तो भी सम कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, तो भी उनमें दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, वी लर्न देर आर डिफरेंट रीजंस ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर बन जाती है। इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। न्यूक्लियर फैमिली में अलग रोल होते हैं मदर फादर के, जॉइंट फैमिली में सब फैमिली मेम्बर मिलकर रोल प्ले करते हैं, तो ये अलग अलग होता है। सम पीपल अडोप्ट चिल्ड्रन एंड डू दियर अपब्रिंगिंग। कुछ लोग बच्चों को अडोप्ट करते हैं और फिर उनका देखभाल करते हैं, उनको ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, एंड दिस इज द क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिज वन जनरेशन टू अनादर इज नोन एज, क्या पढ़ा था हमने? हेरिडिटरी। सो इसमें आप क्या लिखोगे? हेरिडिटरी। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो आपने दोनों साइंटिस्ट का पढ़ लिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो दोनों का नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्ट, कहाँ से हमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्ट मिलते हैं? तो ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो मैटरनल होते हैं उनसे भी मिलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स से, ऑल ऑफ द अबाउ, तो सबसे मिलते हैं अपने को, किसी से भी मिल सकते हैं। वॉट इज़ योर रिलेशन विथ योर मदर सिस्टर, आपकी जो मदर सिस्टर है उससे आपका क्या रिलेशन है? तो वो आपकी क्या होएगी? मौसी होएगी। ठीक है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, जो मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में करवा दिया था, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, वही आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।